आज का रिवीजन का एजेंडा है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सबसे कम टाइम रिवीजन करने में इसी वाले एएस को लगता है। किसको बोलते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट? मान लीजिए आप 1920 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो बैलेंस शीट की डेट क्या होती है? 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 के बाद 1 अप्रैल एंड ऑनवर्ड्स आपके यहां जितने भी इवेंट्स होते हैं, बट बिफोर द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द बैलेंस शीट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाय द मैनेजमेंट और बाय द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और बाय द पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न, मतलब जिनको भी बैलेंस शीट साइन करने की जिम्मेदारी है, उन्होंने जिस दिन बैलेंस शीट को साइन किया उसके पहले और बैलेंस शीट डेट के बाद। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बाई माई बैलेंस शीट, प्रोप्राइटर्स बैलेंस शीट साइंड बाई मी ऑन 16 अगस्त 2020, तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 16 अगस्त 2020 के बीच में, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4.5 महीना और अगस्त का 15 दिन, 16 दिन, तो 4 महीना 16 दिन के अंदर अंदर मेरे यहां जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट होंगे सिर्फ उन्हीं इवेंट को इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बोला जाएगा। तो हर एंटिटी को अपना बैलेंस शीट साइन करने के पहले इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट को अच्छे से चेक कर लेना पड़ता है, उसके बाद ही बैलेंस शीट साइन करनी पड़ती है। इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट दो तरह का होता है, एक एडजस्टिंग इवेंट, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इवेंट तो वही है जो मान लो समवेयर ऑन 16 मई 2020 को हुआ है। अब उस इवेंट को एडजस्टिंग इवेंट कब बोलेंगे? इफ द इवेंट हैज प्रोवाइडेड मी एविडेंसेस अबाउट द कंडीशंस विच वेयर एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द बैलेंस शीट डेट, तो वो इवेंट एडजस्टिंग माना जाएगा। मतलब अगर कोई इवेंट 16 मई को हुआ, 16 मई 2020 को, और वो मुझे ऐसी जानकारी दे रहा है, ऐसी चीजों के बारे में प्रूफ दे रहा है, ऐसी बातें बतला रहा है जो बातें 31 मार्च 2020 को पता थी मुझे, ड्यू डिलीजेंस लगा के मैं पता कर सकता था, ये एविडेंट बातें थी, पहले से थी ये सारी बातें। 16 मई को तो वापस से मुझे प्रूफ मिला, देखो मैं बोलता था ना ये होने वाला है, 31 मार्च के पहले से ही ये पता था कि ये होने वाला है, और फिर वो 16 मई को अगर हो गया तो आप बोलेंगे द इवेंट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। सो एन एडजस्टिंग इवेंट प्रोवाइड्स यू फर्दर एविडेंसेस अबाउट द कंडीशंस विच वेर एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द बैलेंस शीट डेट। नेक्स्ट, अगर कोई एडजस्टिंग इवेंट है, चाहे वो इनकम वाला इवेंट हो, चाहे वो एक्सपेंस वाला इवेंट हो, चाहे वो लॉस मेकिंग इवेंट हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग इवेंट हो, उसका अकाउंटिंग 1920 वाले साल में ही कर देना पड़ता है, एडजस्टमेंट 19-20 में ही कर देना पड़ता है, असेट लाइबिलिटी का बदलाव 19-20 में ही कर देना पड़ता है, इनकम एक्सपेंस को लिखने का काम 19-20 में ही कर देना पड़ता है, एडजस्ट कर देना पड़ता है। और एडजस्ट करने के बाद भी अगर लगता है कि इवेंट इतना बड़ा है, सिग्निफिकेंट है, नोट्स में भी बताना चाहिए, तो नोट्स में भी बता दीजिए, लेकिन एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब आइए नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के बारे में। नॉन एडजस्टिंग इवेंट में फर्क इतना ही है कि इवेंट वैसा ही है, सब कुछ सेम टू सेम है, पर 31 मार्च को उसका कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता था, 31 मार्च को कोई बोली नहीं पाता पाएगा कि ऐसा होने वाला है जो मई में हुआ, 16 मई को जो भी कुछ हुआ उसका कोई भी कंडीशन 31 मार्च या उसके पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर ऐसा है तो 16 मई को होने वाले सेम इवेंट को हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे, अगर 31 मार्च को हमें उसके बारे में कोई कंडीशन एग्जिस्ट ना करता रहे तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट का आइडिया यह है कि आप 19-20 वाले साल में आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे, 20-21 वाले साल में कर लेना। लेकिन 19-20 वाले साल में अगर आपका इवेंट सिग्निफिकेंट है, मटीरियल है, बड़ा है, लोगों की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो उस इवेंट के बारे में अपने डायरेक्टर रिपोर्ट में, माइंड दिस वर्ड, डायरेक्टर रिपोर्ट में उस इवेंट के बारे में लोगों को बतला दीजिए, डायरेक्टर रिपोर्ट में बतलाइएगा अगर इवेंट मटीरियल हो तो। नॉन एडजस्टिंग मटीरियल इवेंट्स ओनली, नॉन एडजस्टिंग मटीरियल इवेंट्स ओनली शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑफ 1920 ईयर।
नाउ अगला पॉइंट है प्रपोज्ड डिविडेंड का. कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि प्रपोज्ड डिविडेंड का अकाउंटिंग अब अगले साल में होता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कंपनी ने 1920 में बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया और 2021 में डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो पहले उसका अकाउंटिंग 1920 वाले साल में ही कर देना पड़ता था पहले, पर S4 के रिवाइज होने के बाद अब उसका अकाउंटिंग 2021 में ही होता है. जैसे एनुअल जनरल मीटिंग के बाद डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, तो उसी समय लिखना पड़ता है बुक्स में. रिजर्व सरप्लस को माइनस करना पड़ता है और डिविडेंड को लाइबिलिटी लिखनी पड़ती है, पर वो 2021 में होता है, 19-20 में नहीं होता है. हाँ, क्योंकि डिविडेंड को एक सिग्निफिकेंट इवेंट माना जाता है, मटीरियल इवेंट माना जाता है, तो 19-20 वाले साल में उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है. अब आप सोचेंगे डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो आंसर इज नो. इसमें अभी चेंज आया है, इसका डिस्क्लोजर नोट्स ऑन अकाउंट्स में होता है. तो सारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर डायरेक्टर रिपोर्ट में होता है, अदर देन प्रपोज डिविडेंड जिसका डिस्क्लोजर नोट्स में होता है. सो रिमेंबर, नॉन एडजस्टिंग मटीरियल इवेंट्स डिस्क्लोज्ड इन द डायरेक्टर रिपोर्ट. ओनली प्रपोज्ड डिविडेंड इज ए नॉन एडजस्टिंग मटीरियल इवेंट विच इज डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स. नाउ लॉस ऑफ गोइंग कंसर्न का एक डिस्कशन है. अगर मान लीजिए 1920 का साल खत्म हो गया, मार्च चला गया, 16 मई को कोई एक बड़ा इवेंट अपने यहां हुआ जिससे हम लोगों का गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया. हम लोगों को इतना बड़ा लॉस हो गया 16 मई को कि हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया, पर खतरे में आया है, लॉस नहीं हुआ, अभी खतरे में आया है. तो इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टर को बोला, S4 में मैनेजमेंट को बोला, बोला आप केयरफुली जज करो कि गोइंग कंसर्न लॉस्ट या गोइंग कंसर्न सर्वाइव्ड. आप एनालाइज करो सिचुएशन में, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, डिसाइड करो. अगर गोइंग कंसर्न लॉस्ट, तो फिर 19-20 का बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न पे मत बनाओ. फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को वायलेट कर दो, सारी असेट लायबिलिटी को रियलाइजेबल पेएबल वैल्यू पे लिख के बैलेंस शीट बनाओ और नोट्स में लिख दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, फिनिश्ड. लेकिन अगर गोइंग कंसर्न जिंदा, आपको लगता है नहीं लॉस उस हो गया पर उतना बड़ा नहीं है, अगर गोइंग कंसर्न जिंदा है तो क्योंकि यह नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, 16 मई को हुआ है, तो आप जस्ट डायरेक्टर रिपोर्ट में उसके बारे में डिटेल डिस्क्लोजर दे दो. फिर वो नॉर्मल हो गया जो S4 बोलता है वो कर दो. पर अगर गोइंग कंसर्न का लॉस हो गया है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस. चेंज द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट टू रियलाइजेबल वैल्यूज. AS फॉलो करना बंद करो, असेट लायबिलिटी को रियलाइजेबल पेएबल वैल्यू पे लिखो और जितना बड़ा लॉस होता है लॉस लिखो, और नोट्स में यह भी लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड यूजिंग गोइंग कंसर्न, यह भी लिखना जरूरी है. पर यह लॉस ऑफ गोइंग कंसर्न होने पर ही करना पड़ता है. अगर डायरेक्टर को लगा लॉस ऑफ गोइंग कंसर्न नहीं हुआ है तो मियर डिस्क्लोजर इन द डायरेक्टर रिपोर्ट इज एनफ. डिविडेंड के बारे में मैं फिर से बोलूंगा कि अगर 1920 वाला साल है, चल रहा है साल, और 19-20 में ही कंपनी अगर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो फिर 19-20 में उसका अकाउंटिंग करना पड़ता है. फिर वो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट में गया ही नहीं ना, इवेंट तो करंट ईयर में ही हो गया ना, साल के अंदर में ही हो गया. सिर्फ प्रपोज डिविडेंड तभी इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होता है जब 19-20 में आप प्रॉफिट कमाएंगे, 2021 में आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, अगले साल में डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, तो उसका अकाउंटिंग एडजस्टमेंट अगले साल में होगा, पर करंट ईयर के नोट्स में डिस्क्लोजर आएगा. सो विद दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का रिविजन इज ओवर. थैंक यू.